मंचा आतली दृश्य आहेत. संजय राऊत देखील आदित्य ठाकरे यांच्या बाजूला बसलेले दिसतात. देवशेखरचे काही नेते आहेत मान्यवर आणि इस्कॉन मंदिराच्या या भेटीनंतर तिथे त्यांनी भोजन आणि आरती देखील घेतलेली आहे आणि त्यानंतर तिथून ते हॉटेल पंचशीलला रवाना झालेले आहेत. तिथे काही काळ आदित्य ठाकरे यांचं वास्तव्य असेल आणि त्यानंतर आदित्य ठाकरे हे पत्रकार परिषद देखील घेणार आहेत. तर इस्कॉन मध्ये आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत इस्कॉनचे एक गुरु देखील दिसत आहेत. त्यासंदर्भात आपण प्रशांत कदमकडून माहिती घेऊयात. प्रशांत, इस्कॉन टेम्पलला आदित्य ठाकरेंची ही भेट वैशिष्ट्यपूर्ण होती कारण अयोध्या श्रीरामाची नगरी आहे. मात्र इस्कॉन हा श्रीकृष्णाला मानणारा पंथ आणि या ठिकाणी पहिल्यांदा आदित्य ठाकरे आले. काय काय नेमकं आतमध्ये झालं हे आपण जाणून घेऊयात. प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवाशिषजी माझ्यासोबत आहेत. आदित्यजी, पहली बार यहाँ आए थे इस्कॉन के टेम्पल में, क्या क्या हुआ अंदर और किस तरह से बातचीत? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आदित्य ठाकरे की पहली सोलो विजिट है. तो जब आए तो क्योंकि इस्कॉन और ठाकरे फैमिली का पहले से बहुत संबंध है तो पहले इसी बात पे चर्चा हुई कि किस तरह से बाला साहेब ने इस्कॉन को सपोर्ट किया था और जो इस्कॉन जो खड़ा हुआ है वो शायद उसी बाला साहेब के सपोर्ट की वजह से खड़ा हुआ है. तो आज यहाँ आकर उन्होंने क्या देखा, क्या कहा आपसे? तो पहले उन्होंने आरती करी और उसके बाद फिर लंच की व्यवस्था थी तो प्रसाद लिया और फिर बात हुई कि किस तरह से इस्कॉन अयोध्या को प्रोजेक्ट को हेल्प करेंगे. और वो विशेष रूप से इस बात से बहुत आनंदित थे कि भले ही ये सेंटर छोटा है और जहाँ पे उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी और मुख्य रूप से वो कहे कि यहाँ पे जो राधा कृष्ण की रिटीज है राम की नगरी में इस्कॉन जो है राधा कृष्ण के विषय में प्रचार प्रसार कर रहा है बहुत ही सराहनीय है और वो कहे कि निरंतर आते रहेंगे और इस्कॉन के प्रतिनिधियों को उन्होंने अपने निवास स्थान पर भी मुंबई में बुलाया है. अच्छा, इस्कॉन की किसी योजना को लेकर आगे बढ़ाने को लेकर कोई बात हुई? जी जी, तो जैसे इस्कॉन अयोध्या जो है यहाँ पर अभी इसके पास लैंड नहीं है तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लैंड के लिए इस्कॉन अयोध्या को हेल्प करेंगे और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं अयोध्या के यूपी के योगी आदित्यनाथ जी उनको भी लेटर लिखेंगे और शिवसेना एज अ पार्टी भी इस्कॉन अयोध्या को सपोर्ट करेगी लैंड वगैरह खरीदने में और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हेल्प करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया. तर ही माहिती आपल्याला दिलेली आहे प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवाशिष यांनी. इस्कॉन पंथाचे हे सगळे गुरु जे आहेत ते या ठिकाणी आहेत आणि हा इस्कॉनचा परिसर आहे ज्या ठिकाणी आदित्य ठाकरे आलेले होते. 2019लाच हे अयोध्यातलं केंद्र सुरू झालेलं आहे. अगदी 3 वर्ष झालेले आहेत. इस्कॉन पंथाचा इतिहास म्हणजे 70च्या दशकातला जरी असला तरी अयोध्येमध्ये त्याची सुरुवात अगदी नवीन आहे आणि त्यामुळंच हे रोपटं आणखीन वाढवण्यासाठी कदाचित आदित्य ठाकरे यांना या ठिकाणी निमंत्रित केलं गेलेलं असावं. बरोबर आहे. तर थेट अयोध्येतून आपण हे सगळं बघतोय. आदित्य ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा आपण पाहतोय. इस्कॉन मंदिरात आदित्य ठाकरे